हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब ब्लॉगर में। आज हमको आपको आपके साथ शेयर करते हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा रेसिपी। तो सबसे पहले हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस, देखो चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। देखिए जब सॉस अच्छे से लगते तो उसका टेस्ट अच्छे से हो जाता है। हाँ जी, चारों तरफ एकदम से। पूरा लगा दिया हमने, पूरा सॉस हमारे लग चुके हैं और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये आ गई हमारी मुजरेला चीज़, अब हम इसके चारों तरफ मुजरेला चीज़ डाल देंगे फैला के। ये देखिए एकदम से पूरा वो ढका हुआ दिखना चाहिए, तभी उसका फ्लेवर अच्छा आता है। देखिए इस तरह से, देखिए चारों तरफ एकदम फैल गया। बस हमारी जो भी डाल के कंप्लीट हो गई, अब हम इसके ऊपर डालेंगे। ये आ गया हमारा तंदूरी चिकन टिक्का, ये मैंने छोटे छोटे पीस काट के रखे हुए हैं। देखो अब इसके ऊपर से छोटे छोटे पीस काट के डाल देंगे क्यूब कटिंग में, क्योंकि पिज़्ज़ा स्मॉल है तो इसमें छोटे छोटे पीस अच्छे लगते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए देखिए क्या अच्छा लग रहा है। देखो अब हम इसके ऊपर से चीज़ डाल देंगे। देखिए ये पूरा मतलब कवर करना है हल्का सा, ताकि अच्छे से चिकन भी पक जाए और चीज़ मेल्ट हो जाए अच्छे से। देखिए इस तरह से, ये देखिए पूरा कवर हो गया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे, अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये हमारा चिल्ली फ्लेक्स आ गया, इससे थोड़ा फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। और ये आ गया हमारा ऑरिगेनो, ओके ये हो गया हमारा डन। इसको डाल देंगे ओवन के अंदर कम से कम 5 से 7 मिनट तक। तो हमने डाल दिया इसको ओवन के अंदर, अब इसको 5 से 7 मिनट देखते हैं कैसा होता है। ओके देखते हैं हम अपना पिज़्ज़ा कैसा हो गया है। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा पक्के रेड हो गया है, देखो नीचे से पूरा ब्राउन कलर हो गया है। अब इसको अच्छे से काट देंगे।